जेतेबेले बात्या किंबा बन्या आसे भारतर समस्त स्टेट को जदि देखा जाए संपूर्ण भारत वर्ष एवं भारतीय प्रभावित होंती किंतु सेही समय रे संपूर्ण भावरे भारत वर्ष रे बिजुली काट हे थाए आउ ए बिजुली पूर्णी थर्मल पावर को जीवा को पड़े एवं थर्मल पावर रे कोइलर यूज करा जाए कि बिजुली रिजेनरेट करा जाए आउ जहां ग्राहक मानु को सप्लाई दिया जाए। जदि ए परिस्थिति भारत वर्ष रे संपूर्ण भाव रे किछि दिन अग्राधिकार करके रहे एवं अधिकार जमेई बसे तेबे से समय रे संपूर्ण भारत वर्ष अंधार आउ अंधार ही रहिबो। तेबे ए प्रकार समस्या को समाधान करबा को राजस्थान नो माउंट आबू रे ईश्वरीय प्रजापिता ब्रह्मकुमारी संस्था तरफ संपूर्ण भाव करा जाई छी एशिया महादेश सर्व बृहत्तम सोलार प्रोजेक्ट एवं जो प्रोजेक्ट संपूर्ण भाव एशिया महादेश संपूर्ण बड़ प्रोजेक्ट आ सबुठारु अधिक बिजुली जेनरेट हो छी। इंडिया वन सोलार थर्मल पावर प्लांट है। यह 55 एकड़ का जमीन है, इसमें बनाया गया है इस नया प्लांट को। आपण माने सीधा सड़क देखी पड़ुवे मो पछरे जो प्रोजेक्ट लगी मिरर भली देखा जाउची मिरर प्लेट लगी संपूर्ण भाव रे ये सोलार प्रोजेक्ट आउ ए सोलार प्रोजेक्ट एशिया महादेश रो सबुठारु बृहत्तम प्रोजेक्ट एछु बिजुली अनेक जेनरेट करा जाउची एवं ताकु पावर रे सप्लाई करा जाय कि पूर्ण यहाँ यूज लोक मान को दिया जाऊ। हमारे भारत में यह सोलर थर्मल पावर प्लांट बहुत बड़ा वाला है और पहली बार है, इसलिए इसको इंडिया वन सोलर थर्मल पावर प्लांट नाम दिया है। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय आश्रम रो जेतिक परिवेश रही सेतिक रे याकु मध्य सप्लाई दिया जाउ छी। एकु छला बरे स्थानीय लोकंकर आवश्यकता अनुसार ये संस्था तांकु सहाय्य मध्य करू छी। किछि गरीबी परिवार हो किंबा जो लोक पाखरे बिजुली पहुंची पारि नै ए संस्था से मानको ए सोलार प्रोजेक्ट रो संपूर्ण भाव रे बिजुली प्रदान करू छी। यह प्रदूषण मुक्त है, यह बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए। जो प्रोजेक्ट आपण को पछरे अछि एवं ए प्रोजेक्ट सीधा सड़क भाव रे आपण सीधा सड़क भाव रे देखि पाउ छथि कि एहा केते बड़ प्रोजेक्ट। तबे देखिबा को गले भारत वर्ष रो नेचुरल डिजास्टर प्राय बेसी भाग होई छै, किंतु आज नेचुरल डिजास्टर को काटिया पाए रिन्यूएबल एनर्जी रो संपूर्ण भाव रे प्रभाव जाहिर करा जाउ छै। रिफ्लेक्शन इकट्ठे होकर कैनवास ग्लास पर पड़ते तब अंदर वाला गास्ट सिलेंडर उसको रिसीव करता है, वो 500 डिग्री हीट एनर्जी को अंदर समा कर रखता है, तब ड्रम लाल लाल हो जाता है। यदि प्रधानमंत्री का कथा को देखा जाए, प्रधानमंत्री का पेरिस चुक्ति सम्मेलन हो किंबा जलवायु विविधता पर भाषण हो, से संपूर्ण भाव रे प्रधानमंत्री कहिसंती जे किपरि भाव रे भारत तार जलवायु विविधता को संतुलन करिवो एवं धीरे धीरे भारत वर्ष रे ये सोलार प्रोजेक्ट प्रदूषण को कम करा जाउची आ प्रदूषण कम करबा सहित संपूर्ण भाव रे भारत तार जलवायु विविधता को निजर अख्तियार को आउछ। तब उसमें पानी पंप किया जाता है हीट ट्रांसफर कॉइल में, तब पानी स्टीम हो जाता है, स्टीम जाते जाते सुपर हीटेड स्टीम बन जाता है, ऐसा सुपर हीटेड स्टीम को इकट्ठा करके टरबाइन को भेज देते हैं, टरबाइन घूमता है, टरबाइन से जनरेटर चलता है, तब बिजली पैदा होती है। आज भारत संपूर्ण सचेतन हो सारी कारण एशिया महादेश रे जापान चाइना भली बड़ बड़ कंट्री एवं डेवलप्ड कंट्री जाउथले मध्य आज भारत गोटे डेवलपिंग कंट्री हवा सत्वे भी प्रदूषण को रोकिया पाई एशिया महादेश रो सर्व बृहत्तम रिन्यूएबल एनर्जी सोलार पावर प्रतिष्ठा करे छि। यहा जर्मनी भारत सरकार एवं अन्य देश रो सहायता रो मिलित सहायता रे ए प्रकार प्रोजेक्ट आज संपूर्ण भाव रे माउंट आबू रे प्रतिष्ठित। हमारी गवर्नमेंट इस क्षेत्र को रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर घोषित करके सहायता दिए है। इस तंत्र ज्ञान से प्राकृतिक प्रदूषण नहीं होता है, इसलिए जर्मन गवर्नमेंट भी सहायता दिया है। राजस्थान नो माउंट आबू जोटा की आरावली पर्वत से पर्वत ऊपर ही अछि आउ ए प्रोजेक्ट ए एरिया रो संपूर्ण भाव रे प्राकृतिक दुर्विपाक हो
किंबा जे कोनसी परिस्थिति रे ए प्रोजेक्ट तांको सहाय्य करूची आ ए बिजुली रो यूज करा जाय एठी संपूर्ण भाव रे गोटे स्वतंत्र परिवेश प्रदूषण विहीन गोटे प्रकृति तयारी कराइची जहा कोनसी मुहूर्त रे ए परिवेश को दूषित करिवो नाही किंबा पृथ्वी रे एमेते कोनसी देश नाही जा भारत सहित चैलेंज करिवो आ भारत को कहिवो जे तुमे प्रदूषण युक्त ब्रह्मा कुमारी जी के 40% इसमें शामिल है। ये यहाँ जो भी बनाए हैं ब्रह्मा कुमारी जी के अपने ही लोग बनाए गए हैं। यह 30,000 लोगों के लिए व्यवस्था बनाई गई है एवं यह आशा करा जाउची आसंता काली सकाळे प्यारिस चुक्ति सम्मेलन हेउ किंबा संपूर्ण भाव रे विश्वर जैव विविधता आ जलवायु विविधता को यह एक अंगुली निर्देश करिवो एहा ही शिक्षा दब विश्व समुदाय को कि किपरि भाव रे विश्व रे प्रदूषण नियंत्रण करा जाय परिबो एवं एई प्रदूषण नियंत्रण माध्यम रे रिन्यूएबल एनर्जी तयारी करा जाय लोकक पाखरे नेचुरल डिजास्टर बेले जे कोनसी समय रे सूर्य किरण नु यूज करा जाय परिबो बिजुली आ एई व्यवहार रे आसंता काली सकाळे संपूर्ण भाव रे गोटे सुस्थ समाज आ गोटे हेल्दी समाज गोटे सुस्थ समाज सुस्थ भारत एवं स्वर्णिम भारत रे परिणत करिया पाई एवं प्रदूषण विहीन भारत परिवर्तन करिया पाई ए प्रकार प्रोजेक्ट रो बहुत आवश्यकता अछि जहां आज प्रजापिता ब्रह्मकुमारी एक स्वतंत्र प्रोजेक्ट ठिया होई छी।